हाय गाइस, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे टैली आरपी 9 में वाउचर कैसे बनाते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम लोग टैली को यहां से ऑन करते हैं। आज हम नया वाउचर बनाना सीखेंगे और वाउचर हम लोग क्यों बनाते हैं, उसका क्या इस्तेमाल है, ये सारे चीज़ हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बिना वीडियो स्केप किए हुए लास्ट तक देखिए, इसमें बहुत सारे नॉलेज आपको गेन होने वाले हैं। तो यहाँ से हम स्केप बटन पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद क्रिएट बटन पे जा करके और एक नया कंपनी बनाते हैं। दोस्तों कंपनी हम फॉर एग्जांपल के लिए एबीसी नाम से बना लेते हैं, जो इंडिया और स्टेट यहां से दिल्ली को सेलेक्ट करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों मेरी ये कंपनी ऑलरेडी बन चुकी है और कंपनी जब भी आपकी बन जाती है तो यहाँ से कंपनी का नाम एबीसी शो करेगा आपका, और गेटवे ऑफ टैली में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे दिखाई देंगे। यहाँ से अकाउंट्स इन्फो में जाना है, फिर वाउचर टाइप का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है, फिर क्रिएट पर क्लिक करना है। दोस्तों हम दो नया वाउचर बनाने वाले हैं, अपने वाउचर में ऐड करने वाले हैं, जिसको एक बैंक पेमेंट बोलेंगे और एक बैंक रिसिप्ट बोलेंगे। ये हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि चेक के थ्रू किया गया ट्रांजेक्शन्स हम उसी में एक्सेप्टेड करेंगे। तो इसके लिए मुझे दो वाउचर बनाने हैं। एक बनाएंगे हम बैंक पेमेंट। दोस्तों बैंक पेमेंट का ये जो वाउचर है ये अंडर आपका पेमेंट में जाएगा, तो यहाँ से लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप में पेमेंट डालना है और फाइनली इंटर करके एक्सेप्ट करना है और कोई चेंजिंग नहीं करना है। एक दोस्तों बनाइएगा बैंक रिसिप्ट का। ये दोस्तों रिसिप्ट का लेजर अंडर रिसिप्ट, यानी रिसिप्ट का वाउचर अंडर रिसिप्ट में जाएगा और यहाँ से हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम एस्केप से बैक जाएंगे। वाउचर मेरी ऑलरेडी बन चुकी है, अगर देखना हो तो यहाँ से डिस्प्ले में जाएंगे तो मुझे एक यहाँ बैंक पेमेंट और बैंक रिसिप्ट, ये दो वाउचर दिखाई देगा। बाद बाकी जितने वाउचर हैं दोस्तों ये ऑलरेडी पहले से बने हुए होते हैं, जो आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। मैंने यहाँ पे दो वाउचर बैंक पेमेंट और बैंक रिसिप्ट का बनाया और ये नया बनाया, इसका इस्तेमाल क्या करना है मुझे, आइए हम देखते हैं। जैसे दोस्तों हम कुछ क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, ये दोस्तों आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि रेंट पेड है 2000 रुपया, तो ये तो डायरेक्टली हम लोग पेमेंट में बना लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है रेंट पेड बाई चेक 2000 रुपया, तो ये अगर हम डायरेक्ट पेमेंट में बनाते हैं तो ये दोनों क्वेश्चन एक जगह हो जाता है, जबकि मुझे खोजने में काफ़ी तकलीफ होती है कि इसमें कैश की पेमेंट कौन सी है और चेक की पेमेंट कौन सी है। इसलिए मैंने एक नया वाउचर बनाया यहाँ से चेक के लिए बैंक पेमेंट की। अब जितना भी चेक की ट्रांजेक्शन करेंगे सब हम बैंक पेमेंट में करेंगे। सेम क्वेश्चन यहाँ पर इंटरेस्ट रिसिप्ट किया जा रहा है 5000 रुपया कैश में, और एक इंटरेस्ट और रिसिप्ट किया जा रहा है बाई चेक के थ्रू 5000 रुपया। अब दोस्तों जो भी कैश की काम होती है वो डायरेक्ट हम लोग रिसिप्ट में डाल लेते हैं, लेकिन बाई चेक की काम होती है उसके लिए मैंने बैंक रिसिप्ट का एक नया वाउचर बना लिया। अब आइए इसमें हम क्वेश्चंस को बना करके देखते हैं, जिसमें मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे बनाऊंगा जिसका नाम है रेंट पेड बाई चेक, और एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ बनाएंगे इंटरेस्ट रिसिप्ट बाई चेक 5000। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों मेरा जो नया वाउचर बनाया है, जैसे रेंट पेड हो रहा है या फिर इंटरेस्ट रिसिप्ट हो रहा है चेक के थ्रू, ये दोनों क्वेश्चन नया वाउचर में बनेगा। इसके लिए हम टैली को खोल लेते हैं। टैली खोलने के बाद वाउचर में जाते हैं, अकाउंटिंग वाउचर, इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद कीबोर्ड का F5 प्रेस करते हैं, पेमेंट खुल करके आएगा। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ पूछा जाएगा आपसे कि बैंक पेमेंट करना है या फिर सिर्फ पेमेंट करना है। तो अगर चेक के थ्रू पेमेंट करना है तो मैं बैंक पेमेंट को सेलेक्ट करके और इंटर करूँगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है रेंट पेड बाई चेक, तो DR में अल्ट सी करके हम रेंट का एक लेज़र बनाएंगे। यहाँ से रेंट का लेज़र जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, तो यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डालेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। अमाउंट 2000 है तो 2000 लेंगे। अब ये बाई कैश नहीं कर रहे हैं, बाई चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे अल्ट सी करके एक मुझे बैंक की लेज़र बनानी पड़ेगी। तो हम यहाँ से एक बैंक की लेज़र बना लेते हैं, अंडर जाएगा दोस्तों बैंक अकाउंट में, और इंटर करके हम फाइनली इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इंटर करेंगे और चेक का डिटेल्स लिखना है तो इसमें लिख सकते हैं, और इंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक बैंक पेमेंट बना लिया जिसमें जितना भी चेक की ट्रांजेक्शन्स होगी वो सारे ट्रांजेक्शन्स हम इसी वाउचर में करेंगे। अब ऐसे ही दोस्तों रिसिप्ट की काम होती है, जब कीबोर्ड का हम F6 प्रेस करेंगे तो रिसिप्ट खुलेगा, जिसमें दो तरह का, एक बैंक रिसिप्ट और एक रिसिप्ट पूछा जाएगा। तो अगर जो भी हम चेक रिसिप्ट कर रहे हैं यहाँ से बैंक रिसिप्ट खोलेंगे। अब दोस्तों इंटरेस्ट रिसिप्ट कर रहे हैं बाई चेक के थ्रू, तो हम यहाँ पहले क्रेडिट पूछा जाएगा, तो पहले क्रेडिट में इंटरेस्ट रिसिप्ट का लेजर बनाएंगे। इसके लिए ऑल्ट और सी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर इंटरेस्ट रिसिप्ट का एक लेजर बनाएंगे। ये दोस्तों अंडर जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में, क्योंकि ये पैसा इनकम हो रहा है तो इसे हम इनडायरेक्ट इनकम में डालेंगे और इंटर करके हम इसको आगे बढ़ेंगे।
अमाउंट डालेंगे जितना भी अमाउंट है, जैसे 5000 अमाउंट है तो डाल लेते हैं, लेकिन ये कैश के थ्रू नहीं है, बाई चेक के थ्रू है, तो यहाँ से हम बैंक की लेजर डालेंगे और इंटर करने के बाद अगर चेक का डिटेल्स लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ टाइप करेंगे, उसके बाद इंटर करके फाइनली आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग नया वाउचर बनाते हैं जिसमें खोजना भी आपको आसान होता है। आप डायरेक्ट यहाँ से डिस्प्ले ऑप्शन में जाएंगे, इंटर करेंगे, डेबुक में जाएंगे तो डायरेक्ट आपको बैंक पेमेंट का यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन्स वाउचर टाइप में दिखाएगा। इससे आपका चेक का एंट्री और कैश की एंट्री खोजना आसान हो जाती है और आपकी ट्रांजेक्शन्स भी बहुत ही अच्छा से हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू, जय।